हम लोग पहुंच गए थे बुआची औरों के यहाँ, और थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया, नहाया धोया, फिर अभी इरू देखना, ये है इरू। इरू हेलो बोलो। हेलो। से हेलो टू एवरीवन। मंगा रखे हैं यहाँ पे मोमोज, तो हम लोग मोमोज खा रहे हैं, और चटनी भी है, प्याज भी है। ये हमारी बुआ जी, बुआ जी हेलो बोल दो। तो बुआ जी अभी किचन से आए हैं और हम लोग यहाँ मोमोज इंजॉय कर रहे हैं। और ये देखो दोनों बच्चे, ये इरू को इतना अच्छा इंग्लिश आता है ना, तो राधा उसको हिंदी सिखा रही है, क ख ग घ। ये क्या है? मामा प्लीज आ जाओ, मामा प्लीज आ जाओ। ये हमारी देवरानी जी, हेलो बोल दो। तो ये सब कर रहे हैं, हम इसे इंजॉय करते हैं, देहरादून के मोमोज। एक ये कैसे नॉर्मल है, और ये तंदूरी है ना। चलो गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। और ये देखिए मैं लेकर आ गई हूँ अपनी चाय। और ये देखिए यहाँ का व्यू, बोची के घर के पीछे ही ना इतना सारा खेत है ये। अब पता नहीं है ये शायद ना अभी घास घूस ही लगा हुआ, अभी तो कुछ लग नहीं रहा कि कुछ प्रॉपर कुछ अनाज बोया है, तो ये घास ही है। और अभी सुबह सुबह बारिश हुई थी और इतना अच्छी आवाज़ आ रही है, मौसम बहुत ठंडा हो गया, फ़ैन में भी ना हम लोगों को इतना ठंडा लग रहा था, और ऊपर हल्के हल्के बादलों के बीच में सूरज देखता आते हुए। जय हो सूरज भगवान जी। हम लोग यहीं इस रूम में ही सो गए थे। राजू, ओ राजू, तो राजू राधे के बाबा मैं यहीं सो गए थे। देखो ये सारा रखा हुआ हमारे देवर जी का, म्यूजिक का सामान सारा। मॉर्निंग आराध्या। आराध्या मैडम ने सारे इरू के सारे टॉयज फैला दिए हैं और बस मस्त तरीके से खेलने लगी है। इसने नहा लिया है। और ये देखिए कुछ यहाँ पे ये रखे हुए हैं म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट हमारे देवर जी के। हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा हम अपनी बुआ जी के यहाँ पहुँच गए थे सुबह, और सॉरी शाम को ही पहुँच गए थे। फिर सुबह का व्यू मैंने दिखा दिया था उनके घर से, कितना प्यारा व्यू आता है। और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ घूमने। तो अभी हम लोग आए हैं FRI, मैं बार बार FIR बोल रही थी, तो ये एक्चुअली में FRI है। यहाँ ये जो है ये एक फॉरेस्ट का म्यूज़ियम है अंदर यहाँ पे, तो वही देखने आए हैं। और काफ़ी बड़े एरिया में देखो पीछे से, और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, और ग्रीनरी ग्रीनरी, और काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं, कॉलेज के काफ़ी सारे बच्चे आ रखे हैं। और जहाँ हम आए यहाँ पे बहुत सारी मूवी की शूटिंग हो रखी है, मतलब जो भी कॉलेज बेस्ड मूवी होती है ना, मोस्टली इस सब की शूटिंग यहाँ हो रखी है। बट जो मतलब मेन मूवी है, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का यहाँ हो रखा है, लक्ष्य की हो रखी है, मैं हुना की हो रखी है, और भी काफ़ी सारी मूवी है जिनकी शूटिंग यहाँ पर हो रखी है। तो हम लोग यहीं घूमने आए हैं। तो मेरे साथ आ रखे हैं मैं, राधे के पापा आराध्या, और आ रखे हैं मेरे देवर जी। बुआ जी के दो बेटे हैं, तो सबसे छोटे वाले बेटे आ रखे हैं, और बड़े वाले बेटे जो मेरे जेठ जी लगते हैं उनसे भी मिलवाऊंगी। तो ये रहे वो लोग। तो मैंने कहा चलो यहाँ से वीडियो की शुरुआत कर देते हैं और चलते अंदर, आपको भी दिखाते हैं FRI कैसा है। हमने पार्किंग उस साइड लगा दिया था, और यहाँ पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पता नहीं कुछ बढ़ा रहे हैं या कि आप किसी को रिपेयर कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, यहाँ की वाइब बहुत अच्छी आ रही है। मतलब फ़ोटोशूट, अगर कोई अच्छा फ़ोटोशूट करने वाला है, अच्छा वीडियो शूट करने वाला है ना, तो बहुत अच्छी लोकेशन है यहाँ पे। वाओ, ये यहाँ से ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी, और ये काफ़ी बड़ा है भाई, पूरा ब्रिक डिज़ाइन कर रखा है, बड़ा मस्त लग रहा है। ये देखिए चेयर भी देखो कितनी अलग, बिल्कुल डिफरेंट लग रही है ना। ये यहाँ का दरवाज़ा देखो, ऊपर से ये दरवाज़ा बना हुआ है, ऊपर छुपकली भी है, और नीचे लॉक लगा रखा हुआ है, मतलब जैसे नॉर्मली लॉक बीच में सेंटर में होता है, तो इनका नीचे लॉक लगा हुआ है।
कुछ वीडियो मैंने यहाँ बड़े छुपके बनाई है क्योंकि यहाँ पे कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जब पहले मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती थी तो किस तरह से आयुर्वेद का यूज़ करके पहले लोग अपना इलाज करते थे। और यहाँ पे इतना बड़ा बाग था भाई साहब, ऐसा एकदम से तो ऐसा लगा था कि ये सच में रियल है, इतना बड़ा था। और यहाँ मैंने इतनी वैरायटी के इंसेक्ट्स देखे, इतनी वैरायटी के बटरफ्लाइज देखे, इतने प्यारे प्यारे ना, वो भी मैं अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई, पर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। और इतनी ऐसी ना कुछ कुछ जगह पे ऐसे पेंटिंग्स बनाई थी, वो बड़ी प्यारी लगी थी। और जो ऊपर दिख रहा है ना, ये शेर बाघ के चीतों के वो है, मतलब जो स्किन होता है वो खाल बोलते हैं जिसको, तो वो ऊपर लगाया हुआ था। तो बाकी सब यही सब चीज़ें था यहाँ पर, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और लास्ट में ये रहा हमारे गजानन जी का दांत, रियल वाला। तो देखो बारिश आना शुरू हो गया है और मोहब्बतें मूवी की शूटिंग भी यही हुई है, तो दिखाती हूँ आपको इधर से व्यू। ये तो अभी इस तरफ का है, इसके ऑपोजिट साइड है, तो थोड़ा आगे चलते हैं फिर उसके बाद दिखाते हैं। बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लोग इंजॉय कर रहे हैं बस। आराध्य थक गई है। इसके बाद हम निकल गए थे और रास्ते में ना पूरा जंगल जंगल है। और ये बाजू में आप जो साइड में देख रहे हो ना, रेड रेड कलर के बंगले टाइप के हैं ये, तो ये जो यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं ना उनके हैं। तो बहुत प्यारा बंगला था और मतलब अच्छा है, उनका गार्डन वार्डन भी है और रास्ता भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल ठंडा और हरा भरा, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और फिर यहाँ से निकलने के बाद आराध्या को लगी थी भूख, तो फिर हम लोगों ने आराध्या के लिए पहले लिए गोलगप्पे, फिर आया भल्ला पापड़ी और आराध्या की फेवरेट छोले भटूरे, पता नहीं उसको अब छोले भटूरे पसंद आने लगे हैं। और लास्ट में खाया हमने गुलाब जामुन। ये रहा देहरादून का घंटा घर और हम लोग ने अब लंच कर लिया है, 3:30 पौने 4 करीबन हो रहा है। अब जा रहे हैं हम सीधे घर और बारिश लगी हुई है अच्छी खासी। तो हम लोग घर आ गए थे, घर आके हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं हमारे चेची हैं उनके यहाँ। तो अभी फ़िलहाल आराध्या घर में ही है क्योंकि वो सो गई थी, उसको थकान लग रही थी, वो सुबह से घूम रही थी ना, तो फिर हमने कहा चल तू घर में रह रहा, उसको सोने ही दिया। तो मैं और आराध्या पर जा रहे हैं, पापा जी भी आराम कर रहे थे, वो भी थक गए थे। यहाँ से लेने लगे हैं फ्रूट्स और जो हमने कल खाया था ना आइसक्रीम, तो बहुत अच्छी थी, अमेरिकन नट सही है। तो फिर ये सामने ही यहाँ पर है अमूल का, तो आराध्या पर ने यहाँ से आइसक्रीम दोबारा से ले लिया, अब ये भी फिर से खाएंगे। और यहीं पर है ये प्राचीन श्री शनिदेव शिला मंदिर, ये भी चौक है, सही है। बारिश हो रही है, किस किस तो हो गया पर मौसम बड़ा सही हो गया। पहुंच गए हैं हमारे जेठी के यहाँ, ये रही हमारी जेठानी जी, हेलो बोलिए। तो अभी दीदी बना रही है चाय, तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे ना वो देखा है जो गांव में क्या बोलते हैं इसको, बंडा, गागर, गागर, तो मैं दिखाती हूँ कि गागर कितनी प्यारी है। देखो ये जो गागर है ना, कहते हैं ना इसका पानी पीना चाहिए, और देखो कितने अच्छे से, कितना क्लीन लग रहा है। और ये अगर यही दिल्ली में होता है ना, तो दिल्ली में वो पूरा काला हो जाता है क्योंकि वहाँ की हवा से काला हो जाता है। और ये ना अलग से लगवाया है नलका, तो मैं भी सोच रही हूँ कि हम भी ऐसा नलका लगवा देंगे, इस चक्कर में यूज़ हो जाएगा। ये देखो ऐसे कंगनदार होता है ना, बढ़िया, बहुत प्यारा लग रहा है, चमक भी रहा है ना, इसलिए और अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, हाँ पानी पिलाओ मुझे अब इसका। नहीं इसका पानी पीना चाहिए, पर हमारे पता है क्या, नलका नहीं है ना, तो उसके अंदर से निकालने का आलस, फिर वो ये हो जाता है। और मम्मी जी कह रहे थे कि नलका लगा दो, चलो इसका पानी पीते हैं। एक रूम ये है और यहाँ जेठ जी क्लास लेते हैं ऑनलाइन, जेठ जी हैं प्रोफेसर है ना कॉलेज में, हाँ तो वही, तो यहाँ वो ऑनलाइन क्लास भी देते हैं, तो ये उनका है रूम। और ये इनके पीछे का है, देखो यहाँ पे भुट्टे लगे हुए हैं और उसके पीछे भी खेत है बाउंड्री में, ये सच में भुट्टे सच में ये लगे तो है ना। ये ऊपर वाले आंटी है उनका, उनके बाजू वालों के भी लगे हैं सबके, सही है बढ़िया है, बारिश अभी हो ही रही है ना। तो हम लोग पहुंच गए हमारी जेठानी जी के यहाँ, देखो ये रही हमारी जेठानी जी, हेलो बोलो, ये रही मेरी बच्ची, हेलो। तो मैं अभी आए थे, हम लोग बैठे और जेठ जी लेके आए थे रोज़, हम लोगों ने रोज़ वगैरह खाए हैं और हम लोग जाने लगे क्योंकि आराध्या घर में अकेली है। और अभी मैं दिखाती हूँ यहाँ पे छोटे कान्हा जी, फिर भी बताओ नाम क्या है। ये लड्डू हैं छोटे, अच्छा माधव और ये शिव जी, देखो कितने क्यूट लग रहे हैं ना प्यारे से, जय हो राधे राधे। और ये जन्माष्टमी में पूरा उन्होंने किया होगा ना, ये देखो पूरा इतना अच्छा से सजा रखा था ये सारा। और ये भी इन्हीं का है ना, हाँ।
इसमें देखो बैठाते हैं, और अभी इस डायरेक्शन में इसलिए रखा है ना क्योंकि यहाँ पे टेलीविजन चल रहा है, तो वो पोगो में वो देख रहे हैं कार्टून देख रहे हैं, बहुत प्यारे हैं। नहीं ऐसे ऐसे नहीं, अच्छे से बेबी वेक अप ऐसे करके बोलो। वेक अप एवरीबॉडी, इट्स टाइम टू मॉर्निंग।